Good morning, class. This is Dhara Rastwa, your English teacher. Students, today we have a new chapter which is Don't Tell. And here we all can see there is an apostrophe used in the word Don't. Okay. So, in last class, we have done the question answers from the chapter The Solicitor, and I hope you all have understood it. Today we have a new chapter. Let's read it. देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे वॉन्ट लेट मी डू आई एम नॉट बिग इन अफ यट दे से सो आई पेशेंटली वेट टिल आई एम ऑल ग्रोन अप एंड आई शो देम ऑल वन डे आई कुड शो देम नाउ इफ दे गेव मी द चांस देर आर थिंग्स आई कुड डू इफ आई ट्राईट बट नो बडी नोज नो बडी नोज दैट आई एम रियली अ जयंट इन साइड दिस इज़ अ पोएम रिटन बाई एर एन गेट्स आइए समझते हैं कि क्या है इस पोएम में इसका टाइटल है डोंट टेल मतलब नहीं बताते हैं क्वेश्चन स्टार्ट uh, होता है ये कुछ इस तरह से कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स लॉट्स मतलब बहुत सारी थिंग्स मतलब चीज़ें देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे वॉन्ट लेट मी डू वो मुझे करने नहीं देते हैं कौन आपके घर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स आपको करने नहीं देते हैं वैसे ही जो बच्चा है हमारे सामने ये भी कह रहा है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मेरे पेरेंट्स मुझे करने नहीं देते हैं क्यों नहीं करने देते हैं आई एम नॉट बिग इनफ येट दे से वो कहते हैं कि अभी मैं इतना बड़ा नहीं हो गया हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें कर पाऊँ बिग मतलब बड़ा इनफ मतलब काफ़ी इतना येट मतलब अभी तक मैं अभी तक इतना बड़ा नहीं हो गया हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें कर सकूँ आपके घर में भी ऐसे बहुत से काम होंगे सपोज़ आप थर्ड क्लास में पढ़ते हैं और आप अपनी किचन में जाते हैं आप नाइफ उठाते हैं कुछ काम करते हैं आपके पेरेंट्स कहते हैं कि आप बहुत छोटे हैं अभी आपका किचन में कोई काम नहीं है आप देखते हैं कि आपके पेरेंट्स सिलेंडर उठा रहे हैं या कार वॉश कर रहे हैं समथिंग लाइक दैट तो और जब आप कहते हैं कि मैं भी करूंगा या करूंगी दिन देश से कि अभी मत करो अभी तुम छोटे हो तो ऐसे ही ये बच्चा है इसे भी इसके पेरेंट्स जो हैवी काम होते हैं जो प्रॉब्लमेटिक uh, काम होते हैं जिसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए होती वो सारे काम करने से इनके पेरेंट्स इस बच्चे को रोकते हैं सो आई पेशेंटली वेट टिल आई एम ऑल ग्रोन अप तो मैं वेट करता हूँ पेशेंटली मतलब बहुत ही सब्र के साथ वेट uh, करता हूँ कि तब तक मैं बड़ा हो जाऊँ तब मैं ये सारे काम करूँगा एंड आई विल शो देम ऑल डे और मैं हर किसी को एक दिन सारे काम करके दिखा दूँगा आई कुड शो देम नाव इफ दे गेव मी द चांस अगर वो मुझे चांस दें अगर वो मुझे मौका दें वो काम करने का तो मैं अभी भी कर सकता हूँ दे आर थिंग्स आई कुड डू इफ आई ट्राइड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं कर सकता हूँ अगर मैं कोशिश करूँ उस बच्चे को लगता है कि वो सारे काम ऐसे घर के जो बड़े लोग करते हैं वो काम वो भी कर सकता है अगर वो कोशिश करे ऐसा उसे लगता है और वो कहता है कि अगर ये लोग मुझसे मौका दें मेरे घर वाले मेरे पेरेंट्स मुझे मौका दें मुझे अलाउ करें तो मैं वो सारे काम करके दिखा सकता हूँ आप लोग बताइए कि क्या सारे काम घर के हैं जो आप कर सकते हैं आपको क्या आप एक हैवी एल गैस सिलेंडर उठा सकते हैं नहीं उठा सकते हैं क्या आप अपनी डाइनिंग टेबल को मूव कर सकते हैं आप नहीं मूव कर सकते आप बेड को मूव कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं क्या आप कार ड्राइव कर सकते हैं या बाइक ड्राइव कर सकते हैं नहीं आप नहीं कर सकते बिकॉज अभी आप छोटे हैं जब आप बड़े होंगे तो आप डेफिनेटली ये सारे काम कर लेंगे तो वही इस जो हमारा पोएट है उसको उसके पेरेंट्स से ही समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम सारे काम कर सकते हो लेकिन उसके लिए राइट right टाइम का वेट करना होगा हर काम हर सही समय पर ही होना चाहिए आगे कह रहा है हमारा पोएट बट नो बडी नोज नो बडी नोज दैट आई एम रियली अ जाएंट इन साइड मेरे घर वाले मुझे हर काम से रोकते हैं वो नहीं जानते हैं कि मैं अंदर से एक जान्ट हूँ मैं अंदर से बड़ा हूँ और मैं ये सारे काम कर सकता हूँ जाइंट मतलब बड़ा इन साइड मतलब अंदर से ओके इज द पोएम डोंट टेल तो हमने देखा इसमें कि जो पोएट है वो बहुत सारे काम करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि उसके घर वाले उससे कहते हैं कि तुम छोटे हो ऐसा आपके घर में भी होता होगा मुझे ज़रूर बताइएगा कुछ नए वर्ड्स हमने सीखे हैं इनफ चैंस जायंट एंड पेशेंट इनकी मी मीनिंग्स मैंने आपको बता दी है कुछ एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग्स भी हैं जो मैं आपको बता दूंगी आप उन्हें लर्न कर लेंगे नोट कर लेंगे पोएम तो को दोबारा से रीड करिए पढ़िए समझिए और फिर हम आगे की एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं आइए देखते हैं आगे एक्सरसाइज में हमारे लिए क्या है क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है हाउ ओल्ड इज़ द स्पीकर स्पीकर जो है वो कितना बड़ा है वो कितने साल का है तो हमने देखा कि जो हमारा स्पीकर है वो बहुत छोटा है वो बहुत ही छोटा है हु आर दे एंड देम इन द पोएम जो पोएम में उनकी बात की गई है कि वो मुझे काम नहीं करने देते वो मुझे ये करने नहीं करने देते तो वो कौन तो वो कौन है वो पोएट के पेरेंट्स हैं क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है वॉट इज़ द सीक्रेट द स्पीकर इज़ हाइडिंग जो स्पीकर है जो हमारा पोएट है जो ये पोएम गा रहा है वो कौन से सीक्रेट को अपने अंदर छुपा के बैठा है तो उसके अंदर उसने अपने अंदर ये छुपा के बैठा है कि वो अंदर से बहुत बड़ा है भले ही वो छोटा है उसकी बॉडी छोटी लेकिन वो अंदर से काफ़ी बिग हो चुका है अगला कह रहा है थिंक ऑफ थ्री थिंग्स दैट दे वॉन्ट लेट यू डू अब आपको लिखना है कि ऐसी कौन सी तीन चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स आपको करने से रोकते हैं मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं आपको ऐसे आपके घर में आपके पेरेंट्स आपको क्या करने से रोकते हैं आप वो मुझे लिख करके दिखाएंगे नेक्स्ट कह रहा है व्हाट आर द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू व्हेन यू आर ग्रोन अप दैट यू कान डू नाउ ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि आप जब आप बड़े होंगे तो आप करेंगे और अभी आप नहीं कर सकते जैसे अभी आप छोटे हैं तो अभी आप पायलट नहीं बन सकते अभी आप ट्रेन नहीं चला सकते अभी आप कार ड्राइव नहीं कर सकते अभी आप बहुत छोटे हैं तो अभी आप कुक नहीं कर सकते तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी नहीं कर सकते बड़े होंगे तो आप ज़रूर करेंगे इसके अलावा अगर कुछ है अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं मून पर जाना चाहते हैं प्लैनेट्स पर जाना चाहते हैं या कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं बड़े हो के तो वो आप मुझे ज़रूर बताएंगे आज के लिए इतना ही पोएम को दोबारा तो से रीड करिए कुछ वर्ड डिफ़िकल्ट लगे तो मुझसे पूछिए कोई लाइन समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आगे डिस्कस करेंगे तब तक, तक घर पर रहिए पढ़ते रहिए थैंक यू क्लास